नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे आज फिर से जीटीएल इंफ्रा के बारे में। भाई बड़े बड़े शेयर, बढ़िया बढ़िया शेयर, जो भी अच्छे फंडामेंटल स्ट्रांग वाले शेयर हैं उन पे तो सभी लोग वीडियो बनाते हैं, और जो नहीं भी बनाते हैं तो भी वो बढ़िया शेयर है उनका कोई बात। मेन दिक्कत तो छोटे वाले शेयर को सपोर्ट देने का है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है ना। इसीलिए मैं जीटीएल इंफ्रा को प्रतिदिन फॉलो करता हूं और वादा किया हूं कि जब तक आप लोग साथ दोगे तब तक जो है मैं साथ दूंगा, और तब तक मैं जो है इसकी वीडियो बनाऊंगा। बस आपको साथ क्या देना है, कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कम नहीं होना चाहिए। जैसे इसका वॉल्यूम घट गया वैसे आप मेरा लाइक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखिए मैं रामा स्टील, कई सारे अभी जो शेयर हैं उनकी वीडियो मुझे बनानी है, लेकिन उसको मैं सबको छोड़ देता हूँ पीछे, जबकि रामा स्टील पे अब जो है जीटीएल इंफ्रा से ज़्यादा व्यू जाता है। सलासर की बनाया हूँ, रिलायंस पावर की बनाया हूँ, जेबी पावर, रतन पावर, इन सब की वीडियो बनानी है, लेकिन फिर भी सबको छोड़ छाड़ के मैं जीटीएल इंफ्रा पे ही कूद जाता हूँ। देखिए कुछ 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 अपडेट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रतिदिन बता देता हूँ अपनों को, कुछ भी दो शब्द बोलता हूँ तो कुछ लोगों को उससे साहस मिलता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई ना कोई अपना व्यू रख रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। वॉल्यूम में गिरावट आ गई है, आज 2.5% की गिरावट इसमें देखने के लिए मिली है, और लॉन्ग टर्म के एसएम की स्टेज वन में भी ये शेयर शामिल है। अब अगले महीने में हो सकता है इसका रिव्यू हो, 2 अक्टूबर के आसपास, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि 2 अक्टूबर के आसपास इसका जो है रिव्यू का पीरियड रखा गया है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 2 अक्टूबर से बाहर आ जाए, और फिर हो सकता है कि इसमें मोमेंटम भी आना शुरू हो जाए। आज अगर देखेंगे तो इसमें केवल 6.6 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए, जहाँ पे 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, इवन कभी कभी तो पहले की बात कर रहा हूँ 50 करोड़, 60 करोड़, 110 करोड़, 100 करोड़ जो है वॉल्यूम ट्रेड होता था, अब उसके जगह पे केवल 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, तो थोड़ा सा वॉल्यूम में इसकी गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल चुकी है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वॉल्यूम घटने का मतलब है लोगों का इंटरेस्ट घट रहा है, लोगों का जो है थोड़ा सा इसके प्रति जो है प्रेम या फिर कहने लगाव जो है वो कम हो रहा है। कोई न्यूज नहीं है, चार यहाँ पे रिसेंट की खबरें, चार नहीं 6 रिसेंट की खबरें हैं, और जिसमें देखेंगे तो एक 14 तारीख को है इनके जो चेंज इन डायरेक्टर, कुछ डायरेक्टर चेंज हुए थे जो मैं कल वीडियो में आप लोगों को बताया था, और 12 तारीख को भी कुछ चेंज डायरेक्टर का अपडेट आया था, और कुछ शेयर होल्डर मीटिंग आया था, एजीएम का रिपोर्ट, उसके बाद का यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आया है। 13 अगस्त लास्ट मीटिंग था, 21 सितंबर 2015 लास्ट कॉरपोरेट अनाउंसमेंट इसमें था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। गैप अप या फिर कह रहे थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग दिया, ओपनिंग के बाद डायरेक्ट गिरा, और कंटिन्यू जो है थोड़ा 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 प्रेशर में आता गया और गिरावट कर दिया। तो ये था इसका डेली ट्रेड इंफॉर्मेशन। अब इस क्वार्टर जब बीत जाएगा, ये वाला महीना सितंबर का, तब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा आएगा, फिर उसमें देखने वाली बात रहेगी कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है। कई सारा इसमें दिक्कत है, प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बुक वैल्यू, आर ओ सी, वो सब ठीक है ना, आर ओ ई, बुक वैल्यू, पी रेशियो, ये पी रेशियो नहीं मतलब अर्निंग पर शेयर, कई सारा डेट, रिजर्व, बहुत सारी दिक्कत है इसके फंडामेंटल पे। अगर आज देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। लास्ट डील की बात करेंगे तो देखिए 50 नंबर आप लास्ट डील देखने के लिए मिले, लेकिन ओपन करके हम लोग देखेंगे ना तो कोई भी लार्ज डील हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि मनी कंट्रोल अभी क्या करा ना कि पता नहीं इसमें कोई दिक्कत है परेशानी है वेबसाइट में, लेटेस्ट अपडेट दे ही ना। अब देखिए 14 तारीख का ये अपडेट दे रहा है, 14 तारीख को जबकि मार्केट बंद था, तो 14 तारीख को लार्ज डील कैसे हुआ, और वो भी 15:50, 3:50-50 तक का भी लार्ज डील निकाला, तो ये थोड़ा सा इसके जो है वेबसाइट पर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। चार्ट पे जो सपोर्ट बताया था आप लोगों को फिर से उसी सपोर्ट पे आ गया, और बोला भी था कि ये जो लेवल है ना ये एक जो ट्रेड लाइन बनी है और मूविंग एवरेज। आप देखिए जब मैं आपको उस समय बता रहा था तो हो सकता था आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब इसको देखेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ से 20 DMA आ रहा था, देखिए 20 DMA ने रेजिस्टेंस दिया और वहीं से गिरा, तो 20 DMA का मूविंग एवरेज हर एक टाइम फ्रेम में जबरदस्त, चाहे 5 मिनट का कैंडल देखो, 10 मिनट का देखो, 15 मिनट का देखो, 1 घंटे का देखो, ये 20 DMA मूविंग एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। इसी मूविंग एवरेज ने यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस दिया, देखिए यहाँ पे बिल्कुल 20 DMA टच किया हो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस दिया। जब तक 20 DMA को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाएगा, और वो तभी करेगा जब 2.75 रुपये या 80 पैसे के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तो या फिर जो 85 पैसा
2.85 रुपये का बहुत पहले मैं आप लोगों को बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जाए तो फिर थोड़ा सा व्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो फिलहाल में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा इसमें। आप लोग चाहो तो इसमें जो है फिलहाल में खरीदारी करके इसी लेवल पे छोटा सा स्टॉप लॉस 2.20 रुपये के आसपास का फॉलो कर सकते हो। ये आपके लिए एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है, रिस्क कम है रिटर्न की ज़्यादा उम्मीद है, तो देख लीजिएगा। बाकी कोई और इम्पोर्टेंट जब तक अपडेट नहीं आता है कोई कंपनी की तरफ से, वैसा कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता है, तब तक बड़ी तेजी नहीं आएगी। मेरा काम है डेली अपडेट देना, मैं वो देता रहूँगा। लाइक करिएगा वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में।